birthday. Hold on, Navya. Say it loud. Happy birthday. Yes. So, आज हम लोग आए मदर्स डे सेलिब्रेट करने के लिए और आशीष ने बहुत ही अच्छे कैफे में एक्चुअली बुकिंग करके रखी हुई थी. सो थैंक्स टू आशीष. और अब ब्लॉग शुरू करते हैं आज का. वेलकम बैक टू माई चैनल गाइज. आई होप यू आर एब्सोल्युटली फाइन एंड लेट्स गो एंड सेलिब्रेट मदर्स डे एंड हैप्पी मदर्स डे टू ऑल द लवली वुमन्स आउट देयर. बहुत अच्छा कैफे है और ये न्यू फिट्ज़रॉय है, एबसफोर्ड के अंदर कैफे है और बहुत ही लवली प्लेस है. सुबह से नव्या और आशीष मुझे पैम्पर कर रहे हैं. बस एक चीज़ मिस हो गई, नव्या का मन था कि मैं उसके साथ जाके नेल्स कराऊं, बट नव्या बीन कॉफिंग लेटली तो उसको काफ़ी ज़्यादा मतलब चेस्ट में थोड़ा सा कॉफ हो गया था. We went to doctor and he said she's absolutely fine and give a little bit medicine and now she is okay. Hello, Navya. Oh yeah. And since morning Navya is pampering Mama. Navya made breakfast for Mama. Huh? Navya, what did you make for Mama? Pancake. Pancake? नहीं, तुमने मेरे को ब्रेड टोस्ट खिलाया था. No, I did pancake. Okay, okay. My mom in heaven, my mother-in-law, my Mausi, everyone. Hello, Momo. And my Mausi. Yeah, and Navya's Mausi too. So, sabka happy Mother's Day. So, guys, aaj hum log kar rahe hain Mother's Day ka lunch. Enjoy. And Navya is very happy. So, har achha occasion hum logo ko celebrate karna chahiye. Mujhe to aisa hi lagta hai. So, hum log aaj wahi karne ja rahe hain. So, ab ye maine apna mangaya tha. Kuch kya tha? Sobo noodles, vegetarian. Ye bucket wheat ke noodles hain. और आशीष ने अपना वेजिटेरियन बिग ब्रेकफास्ट ऑर्डर किया है. इट्स गॉट हैश ब्राउन, सम सैलड, स्पिनच, एवोकाडो, चिलीज, मशरूम्स, स्क्रैम्बल एग ऑन टोस्ट. और मेरे हैं ये लोटस फ्लावर के चिप्स हैं, यम. और इट्स लुक लाइक टोफू, टोफू मशरूम सैलड, ग्रीन्स, ऑसम. और आज मदर्स डे है तो वन मिमोसा फॉर मी. हैप्पी मदर्स डे. और नोनू का सिर्फ केक और शेक पीना है, जो उसका गला ख़राब है फिर भी नौटंकी को. व्हाट यू वांट टू ईट? व्हाट डू यू वांट टू ईट? चॉकलेट मिल्क शेक. यू ड्रिंकिंग? सो मदर्स डे स्पेशल केक इज हियर. This is berry mousse cake and this is like a raspberry cake. Yeah, blueberry. Yes, Navya. Thank you, Navya. And this one Navya choose it for me and this one I choose it for myself. I like that. Okay, thank you. And it's a beautiful cafe. Guys, if you're watching this video from Melbourne, then please visit this cafe. It's awesome. Navya, come. Navya, come. Let's go and see. Okay. Isn't it beautiful place? It's a huge, huge cafe, guys. और इस कैफे का नाम है कुछ एरिया 87.
all green plants and lively place. So as I said, it's a beautiful, beautiful cafe. और खाना इसका awesome था. And मैंने इससे पहले कभी भी इतना अच्छा vegetarian lunch नहीं खाया था. और वो भी like a noodles salad में, buckwheat के salad में. तो आशीष को पता था मुझे यह कैफ़े बहुत अच्छा लगेगा. एंड आई एम रियली ग्लैड कि आशीष ने यह वाला कैफ़े चूज़ किया. इट्स लाइक 100% 10 out of 10. लवली ग्रीनरी, बेस्ट फूड, और इतनी ज़्यादा इंडोर प्लांट्स लगे हुए हैं यहाँ पे कि मैं आपको बता नहीं सकती. जहाँ देखो वहाँ पे ट्रीज एंड प्लांट्स है. इट्स ऑसम, मतलब मज़ा आ गया. एकदम दिल खुश हो जाता है. अगर आप अच्छी जगह पे जाके कुछ अच्छा खाना खा लो ना, उससे बेहतर क्या हो सकता है. लाइफ में खाओ पियो मज़े करो और क्या है. आई नो टेंशन तो बहुत ही, और आपको टेंशन तो हर जगह मिल जाए, हर प्लेटफॉर्म पर दिख जाएगी. बट लाइक यू नो, इतनी अच्छी ग्रीनरी दिखेगी, पॉजिटिवनेस. नाव्या, व्हाट यू डूइंग? कम कम. थैंक यू. बोरियां रखी हुई है. पापा इज जस्ट राइट हियर. So, कैफे मैंने आपको दिखाई दिया. एंड नाउ दिस इज टाइम फॉर डेजर्ट. सो मदर्स डे स्पेशल. ब्यूटीफुल ब्रंच प्लेस मेलबर्न का दिखाई दिया है. और इसका नाम भी बता देती हूँ. इसका नाम AU79 है. AU79 एंड इट्स इन अबॉस्फेट. एंड रियली रियली सो हैप्पी कि आशीष ने वाली प्लेस चूज़ करी. सच में इतनी ग्रीनरी, इतना अच्छा खाना खा के मज़ा ही आ गया. अब करते हैं डेजर्ट यहाँ का ट्राई. शायद ब्रुनिटी से भी बेटर है ये. ट्रस्ट मी, इट्स बेटर देन ब्रुनिटी यार. बहुत अच्छा केक है. वेरी नाइस चीज केक. आशीष ट्राई ना भाई, उन्हें ट्राई. यू वांट ट्राई दिस वन फर्स्ट? आशीष यू ट्राई. वही नहीं. यम ना? ना दिस वन इज यम. यू ट्राई. तो आ गए हम लोग गाड़ी में वापस. और हो गया हमारा बहुत अच्छा सा ब्रंच, अच्छी सी आउटिंग और एक बढ़िया सा कैफ़े. जैसा कि मैंने आप लोगों को बोला था कि एक एकदम डिफरेंट कैफ़े था वो, मज़ा आ गया. और अब हम लोग जा रहे हैं घर की तरफ. उसके पहले वहाँ से निकलते ही हम लोगों को बहुत अच्छी एक वेजी शॉप वगैरह दिख गई थी वहाँ पर. तो हमने अपनी ग्रोसरी भी वहीं से कर ली, फ्रूट एंड वेजेस भी वहीं से ले लिया. और अब घर जाएंगे. और आज घर जाके भी मेरा तो आज पैम्परिंग डे है. तो मैं तो अपना मस्त कॉकटेल वगैरह पीने वाली हूँ घर पर जाकर भी. आज संडे है और मैं कल से जाऊँगी अपनी डाइट के ऊपर. सोच रही हूँ 4 वीक्स का अच्छा सा कुछ डाइट कर ही लूँ जो मैंने लास्ट टाइम किया था. तो शायद मैं कोशिश करूँगी कि कार्ब्स ना के बराबर लूँ मील्स के अंदर. तो देखते हैं कैसा रहता है. पर हाँ, मुझे ज़्यादा नहीं, पर आई थिंक 2 kgs रिड्यूस करने का टारगेट है. तो देखते हैं हो पाता है कि नहीं हो पाता. मैं आप लोगों को ज़रूर अपडेट करूँगी कि क्या हुआ मेरे नेक्स्ट व्लॉग में. व्लॉग आजकल तो मैं ज़्यादा अच्छे से बना रही हूँ, पर बस मेरे को एडिट करने का टाइम नहीं मिल पा रहा बिकॉज ऑफ वर्क एंड एवरीथिंग इज़ सो बिजी. तो मैं पूरी कोशिश करूँगी कि मैं कहीं कैसे भी करके एडिट करने का टाइम निकाल सकूँ, बिकॉज आजकल हमारा बिजनेस भी थोड़ा ज़्यादा बिजी चल रहा है. जैसा कि आप लोगों को पता है कि इंडिया में कैसे हो रखा है, तो कई बार माइंडसेट भी नहीं होता वीडियो को एडिट करके डालने का और करने का. क्योंकि कई लोगों को लगता है कि हम लोगों की लाइफ यहाँ पे बहुत आसान है और बिल्कुल यहाँ पे कोरोना फ्री है और मतलब वी आर लिविंग द फ्रीडम. ऐसा नहीं है. हम लोगों ने भी लॉकडाउन देखा है पिछले साल. और हाँ, यहाँ पर पॉपुलेशन कह लो या कंट्री का फ़र्क कह लो, यहाँ पे कई चीज़ें काफ़ी स्मूथली है. और यहाँ पर अब कोरोना नहीं है, ना के बराबर है. तो इसीलिए हमारी लाइफ अभी आसान है. बट हाँ, हम लोग सारे यही होप करते हैं. बेसिकली है तो हम भी इंडियन ही, तो हर इंडियन यही आज की डेट में हर एक इंडियन यही दुआ कर रहा है कि भैया जल्दी से जल्दी कोरोना इंडिया से ख़त्म हो जाए और सब लोग हेल्दी रहें इंडिया में. और हम दूर बैठे तो कुछ कर नहीं सकते, बस अपने घर वालों को सबको बार बार इंडिया कॉल करके पता कर सकते हैं. वही हम लोग करते रहते हैं, उनके अपडेट्स लेते रहते हैं. सो गाइज़, प्लीज़ बी सेफ़ इन इंडिया. और अगर आप ये वीडियो कहीं से भी देख रहे हो, अगर वहाँ पर कोरोना अफेक्ट कर रहा है, देन प्लीज़ गाइज़ बी सेफ. और मुझे लगता है कि आज का वीडियो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, तो अब आज का वीडियो करते हैं यहीं ख़त्म. प्लीज़ गाइज, डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन. आपने वीडियो अगर यहाँ तक देख लिया है, देन प्लीज़ 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 कंसिडर वॉचिंग द अदर वीडियोज़ एज वेल. एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल. प्लीज़ सब्सक्राइब करो यार, थोड़ा मोटिवेशन दो ताकि मैं और वीडियोज़ बना सकूँ.
सो मिलती हूँ आप लोगों से नए वीडियो में। और नव्या ये रही पीछे बैठी अपना कार्टून एंजॉय कर रही है। अगर यहाँ तक आई गई हो, वीडियो देख ही लिया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो यार, मैं बहुत सारे इंटरेस्टिंग ब्लॉग बनाती रहती हूँ, थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा मुझे। अभी का अभी एक रेड बटन है सब्सक्राइब, क्या जाता है आप लोगों का, कर दो सब्सक्राइब। और जल्दी मिलते हैं आप लोगों से नए वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, बी सेफ।